इससे भी आगे बढ़े कि आपको बता दें कि देश के नए सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज मंत्रालय में पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला है। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि देश के कमजोर तबकों के लिए काम करने का यह मौका मोदी जी ने उनको दिया है। वह खुद गरीब परिवार से आते हैं, हमेशा अपने बच्चों का और अपना जन्मदिन भी अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में मनाते रहे हैं। वह इसलिए इस कमजोर तबके की जरूरत को जानते हैं और समझते हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का। वीरेंद्र जी, वापसी हुई है आपकी और प्रमोशन के साथ हुई है, कैबिनेट मंत्री भी बनाया और सामाजिक अधिकारिता जैसा बड़ा मंत्रालय भी दिया आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार धन्यवाद करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसने एक बहुत सामान्य परिवार में रहकर समाज की कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है और इस नाते मैं जहाँ से निकल कर आया हूँ, अपने उस क्षेत्र के लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अवसर मुझे दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, मेरे मन में हमेशा वो दृश्य हमेशा मेरे मानस पटल पर बना रहता है कि आज हम जहाँ हैं हम वहीं उस सतीश से निकल कर आए हैं जो कठिनाइयों भरा था। तो ऐसे लोगों के लिए काम करने का इस मंत्रालय के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मिला है और मुझे हृदय से मतलब इसमें काम करने में प्रसन्नता होगी। बिल्कुल, आपको ऐसे मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला है जो वाकई कमजोर लोग हैं उनके लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का इसमें प्रयास होगा। जी बिल्कुल, यही हमारा सोच है कि हम अपने इस वर्ग के लोगों के लिए कैसे उनके सामाजिक आर्थिक परिवार के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में सरकार की योजनाएं, हमारे मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। सर, वृद्धावस्था सभी को प्राप्त होती है, वृद्धावस्था वाला मंत्रालय भी आप ही के पास में, विकलांगों के मंत्रालय, दिव्यांगों का मंत्रालय भी आप ही के पास है, ऐसे लोगों को कितनी उम्मीदें लगे रही सर? कई सारी उम्मीदें आपसे। इन लोगों के बीच में मैं प्रारंभ से जाता रहा हूँ, जब मैं पहली बार सांसद बना था 11th लोकसभा में, वो तभी से जो हमारे वृद्धाश्रम हैं, अन्नमुख बधिर आश्रम है, शालाओं के छात्रावास हैं, मुझे मैंने अपने बच्चों का जन्मदिन जो है ना हमेशा या तो अनाथ आश्रम में या ऐसे अन्नमुख बधिर शालाओं के जो छात्रावास हैं उनमें मनाया है। घर पर मैंने अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया, उनके बीच में जब हम जाते थे तो हम देखते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था और इसमें हमारी श्रीमती जी का भी काफ़ी सहयोग मिलता था कि वो स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती थी और हम सभी ले जाकर फिर हम अपने बच्चों के साथ उन बच्चों को जब भोजन कराते थे उनके चेहरों पर जो खुशियों का भाव होता था कि समाज के लोग हमको ऐसा निराशित नहीं छोड़े, हमारे बीच में आकर, हमारे बीच में बैठकर जो है ना वो खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। मैं अन्नमुख बधिरशाला का मुझे आज भी दृश्य है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं हर वर्ष जाता था अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम ऐसे सभी स्थानों पर जाकर भोजन कराने के लिए। एक बच्चा जो है ना वो बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, लेकिन जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि के कार्यक्रम के अवसर पर जब मैं वहाँ गया तो स्वाभाविक रूप से मैंने पूछा, उस समय फ़ोटो नहीं लगाए थे क्योंकि मैं हर वर्ष जाता था, उस बच्चे की जो चेहरे की खुशियाँ हैं, उसने ऐसा टीका अपने मतलब के टीका लगाते हैं और मतलब पंडित जी का जन्मदिन है, तो बच्चों के अंदर भी भावनात्मक जो है ना संवेदनाएँ बहुत होती हैं और उन संवेदनाओं को इस मंत्रालय के माध्यम से उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने का अवसर देने का काम इस मंत्रालय के माध्यम से मिलता है। फिर हमारे वृद्धजनों के बीच में जाकर भी उनको पारिवारिक आत्मीयता का एहसास उनके बीच में कराया जाए, उनको भी अच्छा लगता है और मैं तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र में जो काम करने का अवसर दिया गया है, मैं उस अपने क्रम को निरंतरता के साथ में जारी रखूँगा, अपने साथियों के साथ में हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, आखिरी सवाल, आप मध्य प्रदेश से आते हैं सर, मध्य प्रदेश को भी कितना फायदा मिलेगा सर? देखिए, दायित्व तो जो है ना पूरे देश का मिला हुआ है और मध्य प्रदेश भी उसमें है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति जब कुछ करने के लिए निकलता है तो भावना इसी भावना के साथ में निकलता है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ सबका विकास। तो ये थे वीरेंद्र कुमार जी, जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, उनके पास ऐसा मंत्रालय है जो सबसे कमजोर वर्ग के लिए काम करने का मौका उनको मिल रहा है। कैमरा पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।